नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के अमेठी जिला के चामो थाना अंतर्गत जायस जगदीशपुर रोड पर चिटहुला के पास हुआ ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर। आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर और इस भीषण टक्कर में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस जगह पर हो चुका है कई बार एक्सीडेंट। वहीं इस भीषण हादसे में स्कॉर्पियो सवार को गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों की मदद से सबको एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया। जामो से आजाद सिंह की रिपोर्ट। ट्रक जो है, ट्रक और स्कॉर्पियो की जो टक्कर हुई, जिसमें ट्रक जो है जगदीशपुर जायस रोड से आ रही थी, जगदीशपुर साइड से आ रही थी, और जो स्कॉर्पियो थी वो जायस से आ रही थी। और ट्रक वाला जो है वो तो अपने साइड में था, लेकिन स्कॉर्पियो जो थी तेज रफ्तार के कारण वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और वो ट्रक से जा टकरा गए, और काफ़ी तेज टक्कर थी जिसमें स्कॉर्पियो टकराने के बाद बगल में ही नाले में जा गिरी। अभी अभी यूपी के बदायूं जिले से बड़ी खबर आ रही है। सब्जी मंडी वालों को मिली राहत, कल से सब्जी मंडी खोलने की इजाजत मिल गई है। एक दिन एक साइड सब्जी की दुकान खुलती है और दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकानें खुलती हैं। अब रोज अपनी दिन के हिसाब से मंडी खोलने की इजाजत मिली है, जबकि मंडी में अब साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, कोरोना को लेकर हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। जहमीर से तेजन रस्तोगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तेजन रस्तोगी, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज मैं बदायूं की सब्जी मंडी में खड़ा हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था सारी मंडियां बंद हो गई थी। आज ये दूसरा दिन है मंडी खुलने का। कल पहला सामने वाली लाइन खुली थी, आज ये वाली लाइन खुली है। आइए हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ सर जी, आप बताइए कि आपने क्या क्या सेफ्टी फीचर्स रख रखे हैं और क्या क्या रखा है। कस्टमर सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर रख रखा है। पहले हम उनके हाथ सैनिटाइज कराते हैं, फिर उनको सब्जी देते हैं, वरना और बिना मास्क के किसी को सब्जी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे जो मास्क लगाएगा पहले सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग कराया जाएगा, उसके बाद ही आपको सब्जी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या ध्यान दे रहे हैं? आज हमारा पहला दिन है, फिर आपको दो कस्टमर से ज्यादा खड़ा नहीं कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे कि आपने सुना, दो लोगों से ज्यादा किसी लोगों को नहीं खड़ा कर रहे हैं और सैनिटाइज करा रहे हैं, उसके बाद ही कोई भी सामान दे रहे हैं। मैं तेज रस्तों की वॉश न्यूज इंडिया बधाई। यूपी के बरेली जिला में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने टीम के साथ निरीक्षण किया। मेयर को निर्माण कार्यों में अनेक गड़बड़ियां मिली। उन्होंने जगतपुर बनखंडी नाथ मंदिर इलाके में सड़क निर्माण के कार्यों में गड़बड़ी मिली। मेयर को परतापुर नैनीताल संपर्क मार्ग पर हो रहे कार्यों में अनेक गड़बड़ी मिली। उमेश गौतम ने सड़क को खुदवाकर उसकी मोटाई को देखा तो जो मानक से कम निकली। मेयर डॉक्टर गौतम ने जेई और एई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ठेकेदार से भी जवाब तलब करते हुए चेतावनी दी है। मेयर के साथ व्यापार मंडल के सदस्यों में विशाल मेहरोत्रा और अनेक सदस्य उपस्थित रहे। बरेली से शाहबाज वेग की रिपोर्ट। शहर में कितने क्षेत्रों में विकास कार्य चल रहे हैं, कहां का कार्य हो गया और आपने कितने क्षेत्रों का दौरा किया? आज जो बड़े कार्य चल रहे हैं, जैसे जगतपुर का है, उसके अलावा बनखंडी नाथ मंदिर वाली रोड है, उसके बाद ये परतापुर चौधरी से जो रोड निकलती है नैनीताल रोड पर, इन सभी रोडों का आज निरीक्षण किया गया और जहाँ काम चल रहा है उनको काम को खुदवा के भी देखा गया है। तो कई जगह, अगर चार जगह खुदवाई गई हैं तो तीन जगह मटेरियल जो है कम मिला है। जैसे जहाँ 5 इंच मिलना चाहिए तो वहाँ 4 इंच है, और जहाँ 2 इंच मिलना चाहिए वहाँ 1 इंच है, जिसमें 4-5 दिन से काम चल रहा है, लेकिन संबंधित जेई और एई वो आज हमारे निरीक्षण करने पर वहाँ पहुँचे। उससे पहले वो लोग वहाँ गए ही नहीं हैं, तो आज उनको एक वार्निंग लेटर भी इशू हो रहा है और ठेकेदार को भी लेटर इशू होगा कि अगर इस तरह का काम होगा तो उनका किसी भी तरह का जो पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। या तो इसको सुधार लें, क्योंकि किसी भी तकनीकी या किसी भी दृष्टि में मटेरियल से समझौता नहीं होगा, हर हालत में गुणवत्तापूर्वक काम करना पड़ेगा। ये उनको आज लिखित में भी वार्निंग इशू कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में काम अच्छे से अच्छा कर सकें। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिएगा।
पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर, ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहां पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मासिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 0162351 2301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी, प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। यूपी के बरेली जिला में राजकीय बाल गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ हुए अमानवीय कृत्य की जांच हाईकोर्ट के निगरानी में गठित एसआईटी द्वारा कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष जनक प्रसाद के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में राजकीय बाल गृह से आई खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कानपुर के बाल गृह की 7 युवतियां गर्भवती पाई गई हैं और एक बच्ची को एड्स भी है। अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण बच्चियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किए गए बाल गृह वर्तमान समय में अनाथ, बेसहारा और मजबूर बच्चियों की इजाजत की खिलवाड़ का अड्डा बना चुके हैं। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मामला यह है जो कानपुर में जो महिला संरक्षण घर में जो ये घटना हुई है, जो उसमें बताया जा रहा है कि जो 57 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं और उसमें से 2 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव पाई गई हैं और उसमें 8 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। जनता को शक होता है कि क्या मुजफ्फरपुर वाली घटना दोबारा तो नहीं घट रही है उत्तर प्रदेश में भी। इस शंका को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एसआईटी जांच मांग कर रही है और महिलाओं को बेटर इलाज की मांग कर रही है और प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से पूछना चाहिए कि हमारा भारत जा कहाँ रहा है। आपकी नीतियों का परिणाम जनता कितनी भुगतेगी। बॉर्डर पे सेना मर रही है, किसान खेतों में मर रहा है, डीजल आपका कल मैंने 71 रुपये भरवाया, 71 रुपये 16 पैसे भरवाया है। आपका प्रोडक्ट जब किसान बेचने जाएगा तो उसका आप लौकी जो है गाँव में किसानों ने 1 रुपये में बेची है और नहीं बिकने पर उसने जो है अपने गाय भैंसों को जानवरों को खिलाया है। हम कौन से भारत की कल्पना करके मोदी सरकार को मनाए थे। आपकी वैकेंसी निकलती है उसमें भ्रष्टाचार कर लेते हो आप उसमें भ्रष्टाचार करके बैठ जाते हो, लेकिन जब जवाब पूछते हैं तो आपका मीडिया चैनल जो है, इनके गोदी मीडिया जो है, उनको डिफेंड करने के लिए वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है, एक नई पत्रकारिता का ये निजात किया है मोदी सरकार ने कि सवाल जो है विपक्ष से पूछते हैं ये लोग। सत्ता हमेशा सवाल जो है सत्ता से पूछा जाता है, पत्रकारिता का धर्म है ये और विपक्ष का धर्म है सत्ता सवाल पूछना। लेकिन जब मीडिया ही चौथा स्तंभ है, अब मैं पूछता हूँ मीडिया से कि अगर एक जो दीवार, एक छत जो खड़ी हुई है 4 पिलर पर खड़ी होती है, अगर उसका एक पिलर ढह दिया तो क्या वो छत बचेगी? नहीं बचेगी। यही स्थिति आज देश की हो गई है कि मीडिया जो है उनके गोद में बैठ गया है और जो जाके वो छत पूरी ढहती जा रही है। देखिए डॉलर कहाँ पहुँच गया, जीडीपी की हालत क्या हो गई है, रोजगारों की हालत क्या हो गई है। खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है। यूपी के सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र निगाई गांव में भालू को दर जंगलों में गायब युवक का पेड़ से लटकता छत विछत शव मिला। चरवाहों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। सूत्रों के अनुसार युवक करीब 1 सप्ताह से गायब था।
जिसकी खोजबीन स्थानीय थाने में परिजनों द्वारा किया जा रहा था। जंगलों में चरवाहों की सूचना पर पेड़ से लटकता मिला शव छद्मवेश अवस्था में पड़ा हुआ। सूचना पाकर मौके पर ओबरा क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष कोन द्वारा फोर्स के साथ अग्रिम कार्रवाई में जुटे रहे। सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।